नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर रहे दानिश कनेरिया सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं और भारत को लेकर वो कोई ना कोई ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन अब दानिश कनेरिया को एक ट्वीट करना भारी पड़ गया है और पत्रकार राजदीप सरदेसाई से उनका विवाद शुरू हो गया है। जी हाँ, पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अभी चुनावी माहौल के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने बेहद हल्के सवाल किए। जेट में बैठकर किए गए इस इंटरव्यू को लेकर एक विवाद शुरू हुआ, तो उस पर दानिश कनेरिया ने भी अपना जवाब दिया, जिसके बाद राजदीप सरदेसाई भड़क गए और उन्होंने दानिश कनेरिया को बखूबी जवाब दिया है। आपको बता दें कि राजदीप सरदेसाई ने सीएम अशोक गहलोत से बेहद हल्के सवाल किए और हल्के सवाल किए तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दानिश कनेरिया ने उसी वीडियो को लेकर अपनी राय रखी और उन्होंने लिखा, व्हेन बाथरूम सिंगर बिकेम जर्नलिस्ट। अब जैसे ही दानिश कनेरिया ने ये ट्वीट किया और हंसने वाली इमोजी बनाई, तो ये बात पत्रकार राजदीप सरदेसाई को पसंद नहीं आई। उन्होंने दानिश कनेरिया को उनका पुराना वक्त याद दिला दिया, स्पॉट फिक्सिंग के मामले याद दिला दिए और राजदीप सरदेसाई ने जवाब देते हुए लिखा, व्हेन अ पाकिस्तानी स्पॉट फिक्सर मैच फिक्सर बिकेम पार्ट ऑफ द मैसूर पाक आईटी सेल, गो गेट अ लाइफ दानिश कनेरिया। नेक्स्ट टाइम वॉज द फुल हाफ आवर इंटरव्यू, नॉट द 60 seconds दैट योर आईटी सेल चीफ टेल्स यू टू ट्वीट, सेमलेस। तो राजदीप सरदेसाई ने कुछ इस तरीके से दानिश कनेरिया को जवाब दिया और कहा कि 60 सेकंड की क्लिप मत देखिए, अगर आपको पूरा इंटरव्यू देखना है तो जाकर देखिए और समझ पाएंगे कि मैंने किस तरीके से सवाल किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि किस तरीके से आप स्पॉट फिक्सिंग में रहे, किस तरीके से आप मैसूर पाक के आईटी सेल के हेड के हाथों हैं इस वक्त और इसीलिए आप ऐसा ट्वीट कर रहे हैं। अब जब राजदीप सरदेसाई ने ऐसा जवाब दिया तो दानिश कनेरिया भी चुप नहीं बैठे। दानिश कनेरिया ने इसका भी उत्तर दिया और उन्होंने राजदीप सरदेसाई के मुकेश अंबानी वाले इंटरव्यू की भी याद दिला दी, जिसको लेकर अक्सर राजदीप सरदेसाई को ट्रोल किया जाता रहा। और दानिश कनेरिया ने इस बार जवाब देते हुए अपने ट्वीट में लिखा, हाउ ऑफन हैज राजदीप फिक्स द न्यूज टू एलिगन विथ हिज एजेंडा और दैट ऑफ हिज मास्टर्स, मिस यूजिंग द टर्म मैसूर पाक लाइक ही डज with his journalist title. By the way, I watched your full interview with Mukesh Ambani. तो कुछ इस तरीके से दानिश कनेरिया ने राजदीप सरदेसाई को जवाब दिया और बताया कि मैंने आपका मुकेश अंबानी वाला भी इंटरव्यू पूरा देखा है और किस तरीके से मुकेश अंबानी ने आपको उसमें बेइज्जत किया था यह भी मैंने देखा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार राजदीप सरदेसाई और दानिश कनेरिया के बीच बहसबाजी हो रही है और लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि राजदीप सरदेसाई इसका क्या कुछ जवाब देते हैं, उसके बाद दानिश कनेरिया की तरफ से क्या जवाब आता है और ये मामला कहां तक जाता है। बहरहाल, जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंटरव्यू किया, जिस पर वो ट्रोल हुए, यहां तक कि पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर रहे दानिश कनेरिया ने भी उन्हें ट्रोल किया, उसके बाद राजदीप सरदेसाई ने दानिश कनेरिया को जवाब दिया, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।